सोयाबीन की बुआई के बाद अगर 15 से 20 दिन तक बारिश नहीं आता, सूखे पड़ जाता, तो तब हमको कौन सी नमी संरक्षण क्रियाएं को सोयाबीन के अंदर हमको करना है और अपनाना है? सबसे पहले जो है मल्चिंग करना है। इसके अलावा हम अन्य अंतर्गत सस्य क्रिया को भी हमको अपनाना है, जैसे कि डोरा चलाना है। डोरा चलाने से क्या होगा, जो डस्ट मल्चिंग क्रिएट होगा, डस्ट मल्चिंग क्रिएट होने से जो भी बारिश के पानी वाष्पीकरण से लॉस होता है वो रुक जाएगा, साथ साथ में आपके खरपतवार भी नियंत्रण में आ जाएगा। इससे अलावा हमको वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट जो बोलते हैं हम, वो हमको सोयाबीन के ऊपर छिड़काव करना चाहिए, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वो 1% हम लेके उसको छिड़काव सोयाबीन के अंदर करना चाहिए। इससे अलावा ग्लिसरॉल 5% लेके हमको सोयाबीन के अंदर छिड़काव करना चाहिए। और यदि आपके खेत के अंदर तालाब है या पॉन पॉन्ड है, आप उससे भी आप एकात स्प्रिंकलर की सिंचाई सोयाबीन फसलों को दे सकते हैं कि सूखे टाइम पे, इस ऐसे करने से सोयाबीन फसल बच जाएगा और सोयाबीन की जो उत्पादकता जो हो बढ़ जाएगा। धन्यवाद।